धर्मस्थान विवादित हो जाते हैं, वहाँ पूजा पाठ बंद हो जाता है, विधर्मी लोग वहाँ बैठ जाते हैं। ये चारों शंकराचार्यों को बुलाया है, निमंत्रण तो सभी को गया है, लेकिन हम लोग जा नहीं पा रहे हैं। चार पीठ, चारों पीठ, केवल चार ही पीठ है और चार ही शंकराचार्य है। उसके बाद जो है वो सब शंकराचार्य के रूप में नहीं कहे जा सकते। इसी तरह से शास्त्रों के अनुसार, वेदों के अनुसार, कर्मकांड की जो परंपरा है उसके आधार पूजा होना चाहिए। आज हमारे बीच में शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी सदानंद जी सरस्वती जी हैं। काफी इनके गुरु जी जो ब्रह्मलीन जो स्वरूपानंद सरस्वती जी थे, उनने भी काफी इस मंदिर के लिए प्रयास किए थे। तो स्वामी जी से जानना चाहते हैं कि आखिर स्वामी जी, इतना लंबा जो वक्त बीत गया है मंदिर का निर्माण हो रहा है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? ये तो सैकड़ों वर्ष की समस्या थी, 500 वर्ष से आंदोलन चल रहे थे। अंग्रेजों के समय भी कई आंदोलन हुए, और जब से मंदिर को गिरा करके वहाँ मस्जिद का निर्माण कर दिया गया था, उसके बाद भी उस मंदिर में, उस जिसे मस्जिद कहते थे, बाबरी मस्जिद, उसमें मंदिर के सबूत विद्यमान थे, और पुरातत्व विभाग ने भी उसमें जब अन्वेषण किया तो मंदिर के काफी चिन्ह वहां पाए गए। ऐसे प्रमाण मिले कि ये भारतीय शिल्प कला, भारतीय जो वास्तुकला, प्राचीन कलाएं जो थी, तो उसके पूरे साक्ष्य उसमें प्राप्त हुए थे। उसी के आधार पर, पुराणों के आधार पर, और हमारे जगतगुरु शंकराचार्य महाराजश्री ने भी इसके लिए काफी प्रयास किए, बड़े बड़े संत सम्मेलन किए चित्रकूट में, ज्योतेश्वर में, राजस्थान में, और अयोध्या में श्री राम सपरिया परिक्रमा करने के लिए बहुत बड़ा कार्यक्रम किया, लाखों लोग शामिल हुए। एक बार अयोध्या जा रहे थे कार्यक्रम के लिए, आजमगढ़ में गुरुजी को जो सरकार थी वर्तमान, उसने गिरफ्तार कर लिया था, चुनार जेल में रखा गया 8 दिन तक। गुरुजी चुनार जेल में रहे, चुनार की जेल में। तो काफी आंदोलन हुए, और न्यायालय में तमाम साक्ष्य प्रस्तुत किए गए, जिसमें कई बार न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने उल्लेख किया है कि रामालय ट्रस्ट और राम जन्मभूमि पुनरुद्धार समिति जो पार्टी थी, एक पार्टी सबसे बड़ी पार्टी थी जो न्यायालय में राम जन्मभूमि का पक्ष लेकर के उपस्थित होती थी वहाँ, तो उनका कई बार उल्लेख किया है, वो साक्ष्यों को स्वीकार किया है। हमारे सद्गुरुदेव भगवान के जो वकील थे, उन वकीलों का जो प्रस्तुतिकरण था, परमेश्वर मिश्र जी थे कलकत्ता के, उन्होंने 1 महीने तक, और अभी जो जगतगुरु शंकराचार्य हो गए हैं स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी, उन्होंने बड़ी पैरवी की, लखनऊ की ब्रांच में था ये केस पहले, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में चला, वहाँ भी काफी प्रमाण प्रस्तुत किए, न्यायालय ने हिंदुओं के पक्ष में फैसला दिया, प्रसन्नता का विषय है। यदि गुरुजी तो नहीं है, देख नहीं पा रहे हैं, वो होते तो क्या होता? प्रसन्नता होती, क्या हार्दिक इच्छाएं थी? प्रसन्नता, यही इच्छा थी कि राम जन्मभूमि हिंदुओं को प्राप्त हो, काशी के लिए भी यही इच्छा थी उनकी, मथुरा के लिए भी यही इच्छा थी, और इसके लिए उन्होंने, वो तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे ना, राष्ट्र के प्रति, धर्म के प्रति उनका तादात्म्य था। वो चाहते थे कि ये समस्याएं हल हों, ताकि पूरा राष्ट्र सुखपूर्वक अपने देश के प्रति और धर्म के प्रति समर्पित होकर के आनंद का अनुभव कर सके। अध्यात्म विद्या के बिना
हम सुखानुभूति नहीं कर सकते। अध्यात्म विद्या कहाँ से प्राप्त होगी? गुरुकुलों से, आश्रमों से, मठों से, मंदिरों से। तो जितने भी तीर्थ हैं, अयोध्या तो सप्तपुरियों में है, अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका सप्तपुरियों में से एक है। तो हमारे जो तीर्थ हैं उनमें धर्म और ब्रह्म की सत्ता विद्यमान होती है, तो वहाँ धर्म और ब्रह्म की जो आध्यात्मिक शक्ति है उसे प्राप्त करने के लिए हम लोग आप लोग सब जाते हैं। तो जब धर्मस्थान विवादित हो जाते हैं, वहाँ पूजा पाठ बंद हो जाता है, विधर्मी लोग वहाँ बैठ जाते हैं, तो वो शक्तियाँ हमें फिर प्राप्त नहीं होती हैं। इसलिए हमारी संस्कृति के जो अभिज्ञान हैं, जो चिन्ह हैं, वो हमारे पास होने चाहिए। कहीं ना कहीं शंकराचार्यों की उपेक्षा लग रही है शायद। ये चारों शंकराचार्यों को बुलाया है, निमंत्रण तो सभी को गया है, लेकिन हम लोग जा नहीं पा रहे हैं। ये बात चंपत राय जी ने भी रामानंद व्यक्तिगत किसी का टिप्पणी हम नहीं करते हैं। गुरु जी, आज की जो युवा पीढ़ी है, युवा पीढ़ी शंकराचार्य परंपरा को नहीं समझ पा रही है। कहीं ना कहीं क्या ये परंपरा है, कैसे शंकराचार्य बनते हैं, कितने विख्यात? ये प्रत्येक संप्रदाय की अलग अलग परंपरा है। शंकराचार्य जी की परंपरा 2500 साल की है, इसके लिए मठामनाय महानुशासन है और इसमें गुरु शिष्य की परंपरा ही प्रमाण है। तो जैसे द्वारका की परंपरा है, तो द्वारका पीठ के जो शंकराचार्य जी थे आप लोग जानते हैं, ज्योतिष पीठ के दोनों पीठों के थे, उन्होंने किसी को शिष्य बनाया ही नहीं, दो ही लोगों को शिष्य बनाया, दो ही लोगों को दंड संन्यास दिया। ब्रह्मचारी शिष्य उन्होंने सैकड़ों बनाए, भक्त शिष्य उन्होंने लाखों बनाए, लेकिन दंडी सन्यासी दो ही बनाए। स्वाभाविक रूप से उनका उत्तराधिकार, जैसे पिता का अधिकार पुत्र को प्राप्त होता है, इसी तरह से हम लोगों में भी, अखाड़ों में भी गुरु शिष्य परंपरा ही प्रमाण होती है। तो उस परंपरा के अनुसार ही गुरु चयन करते हैं। कितने? चार पीठ। चार पीठ, चारों पीठ, केवल चार ही पीठ है और चार ही शंकराचार्य हैं। उसके बाद जो हैं वो सब शंकराचार्य के रूप में नहीं कहे जा सकते। क्या उद्देश्य आदि शंकराचार्य ने? सनातन धर्म की, हिंदू धर्म की रक्षा, उनका प्रचार प्रसार, आप लोगों के समक्ष कोई समस्या उपस्थित हो जाए उसका निराकरण करना। जी, राम मंदिर निर्माण हो रहा है, तो क्या वहाँ पर विधि विधान की बात होना चाहिए वहाँ पर, और क्या होना चाहिए? इस शास्त्रीय शास्त्र के अनुसार ही होना चाहिए। जैसे निर्माण शास्त्र के अनुसार हो रहा है, इसी तरह से शास्त्रों के अनुसार, वेदों के अनुसार, कर्मकांड की जो परंपरा है उसके आधार पूजा होना चाहिए, उसी के अनुसार भोग लगना चाहिए, उसी के अनुसार पुजारियों में भी सदाचार होना चाहिए, वहाँ के संचालकों में भी समाज सदाचार होना चाहिए, और जितने भी हमारे तीर्थ स्थान हैं, धर्म स्थल हैं, सबके उन स्थानों से सनातन धर्म, हिंदू धर्म की जो सुगंधी है वो पूरे देश में व्याप्त होना चाहिए। अपने लोग तो प्राणी मात्र का कल्याण करने वाले लोग हैं, विश्व का कल्याण हो इसका उद्घोष होता है, अभी आपने सुना नरसिंहपुर की सभा में, तो विश्व के कल्याण की मैं तो वसुधैव कुटुंबकम आ गया ना, वसुधा यानी धरती, पृथ्वी में रहने वाले प्रत्येक मनुष्य का, प्रत्येक प्राणी का हम उद्धार चाहते हैं। ये हमारा सिद्धांत है, भगवत पादाद्य शंकराचार्य का सिद्धांत है। भगवत पादाद्य शंकराचार्य ने ऐसे समय अवतार लिया था जिस समय हिंदू धर्म पराया लुप्त प्राय हो गया था, विधर्मियों ने बौद्धिक आक्रमण करके और हिंदू धर्म को नष्ट करने का प्रयास किया था, अनास्था अधर्मी प्रज्ञापराधी उत्पन्न होने लगे थे, वैदिक धर्म का की उपेक्षा होने लगी थी, यज्ञ आदि में विकार आ गया था। तो उस समय भगवत पादाद्य शंकर ने अवतार लेकर के पुनः वैदिक धर्म की स्थापना की। गुरु जी बाल रूप में वहां पर विराजमान हो रहे हैं रामचंद्र जी, तो इसकी व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद सुयज भक्ति प्रेम बस कौशल्या की गोद। बाल स्वरूप ही है। हम अपने लोगों की जो मांग रही है, आपको मालूम होगा कि राम जन्म भूमि चाहिए। मंदिर तो बहुत है हमारे देश में, राम मंदिर भी बहुत है, ओरछा में भगवान का मंदिर विद्यमान है, अंकुर बाट में विद्यमान है, भारत में बहुत से राम मंदिर हैं,
राम जन्मभूमि की बात थी, जहां जिस महल में परमात्मा श्री राम ने अवतार लिया, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी, उस स्थान की बात थी। वो स्थान हमारे पास नहीं था, मिल गया आज है। एक और बात सामने आ रही है कि मंदिर अधूरा है और प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, अभी हमें ध्यान में नहीं है, तो क्या परिस्थिति है वो देखने से पता चलेगा, बात करेंगे। गुरु जी एक बात और है कि बाद में भविष्य में कोई वहां जाने की, जाएंगे क्यों नहीं जाएंगे, दर्शन करने जाएंगे। और सनातनियों से क्या कहना चाहिए? हमारे आराध्य देव हैं परमात्मा श्री कृष्ण, परमात्मा श्री राम हिंदू मात्र के आराध्य देव हैं, उनकी आराधना होना चाहिए, उनके देश में जहाँ जहाँ मंदिर हैं वहाँ वहाँ दर्शन करने के लिए जाना चाहिए। अपने पूर्वज लोग तीर्थ यात्रा करते थे, बद्रीनाथ जाते थे, केदारनाथ जाते थे, रामेश्वर जाते थे, जगन्नाथपुरी जाते थे दर्शन करने के लिए। जहाँ चार धाम थे वहीं आद्य शंकराचार्य जी ने चार मठों की स्थापना की, देखिए आप उनका विज्ञान। और भारत तो बहुत पहले आगे तक था, अफगानिस्तान तक कहाँ कहाँ तक भारत था, आज भारत कहाँ तक है? जहाँ शंकराचार्य जी के चार मठ हैं वहीं तक भारत है। बस 2500 साल पहले क्या भविष्य दृष्टा, क्या बुद्धि उनकी, आप देखिए उनकी तपस्या का प्रभाव कि आज वहीं तक भारत है। रामेश्वर श्रृंगेरी, उसके बाद श्रीलंका लग जाता है, हमारे यहाँ द्वारका के बाद कराची का क्षेत्र आ जाता है 40 किलोमीटर दूर द्वारका से आगे समुद्र के किनारे से, बद्रीनाथ से तिब्बत शुरू हो जाता है, जगन्नाथपुरी में अरब सागर प्रारंभ हो जाता है। तो आज उतना ही भारत है हमारे पास, जहाँ आद्य शंकराचार्य जी ने 2500 साल पहले बनाया था।